सरकारी गेहूं खरीदी को लेकर होने वाली वसूली और लापरवाही को लेकर कलेक्टर ने अब सख्त रुख अपनाया है। गेहूं उपार्जन कार्य में लगे हुए दताना उपार्जन केंद्र के सर्वेयर राम विशाल यादव द्वारा गेहूं का सैंपल पास करने के किसान से 500 रुपए लेने के मामले में संबंधित के विरुद्ध नरवर थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। अवि प्रसाद अपर कलेक्टर एवं जिला नोडल अधिकारी जिला उज्जैन तथा मोहन मारू जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला उज्जैन एवं NS मुबेल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उज्जैन द्वारा सेवा सहकारी संस्था दताना का गेहूं उपार्जन केंद्र कल्याण एक्सप्रेस वेयर हाउस नरवर तहसील उज्जैन का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपार्जन केंद्र पर जालम से किसान द्वारा ट्रालियों गेहूं भरकर लाई गई थी। गुणवत्ता का गेहूं होने के बावजूद भी उपार्जन केंद्र पर नियुक्त सर्वेयर राम विशाल यादव निवासी ग्राम सुजानपुरा तहसील शाहगढ़ जिला सागर द्वारा अनाधिकृत रूप से किसानों को 500 रुपए लिए जाना प्रमाणित होने से सर्वेयर के विरुद्ध पुलिस थाना नरवर जिला उज्जैन में किसानों से अनाधिकृत रूप से पैसे लेने की FIR दर्ज करवाई गई है। BS पटेल समिति प्रशासक द्वारा भी केंद्र का निरीक्षण नहीं करने, निगरानी नहीं रखने पर, लापरवाही बरतने तथा भारी अव्यवस्था पाए जाने पर प्रशासक को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तथा कलेक्टर के समक्ष निलंबन की कार्यवाही प्रस्ताव रखा गया है। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार उपार्जन केंद्र पर मॉइस्चर मीटर नहीं होना, सिलाई मशीन पर्याप्त संख्या में नहीं होना, उपार्जन केंद्र पर मात्र 2 तोल काटे होना, छलने भी नहीं होना पाया गया है। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपार्जन केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें।